वैसे हमारा जो 14 अगस्त है वो पर्व के बगैर नहीं होता है ना। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों और देवियों सजनों और जो भी अकसाम हमें देख रहे होंगे और बहनों इसकी सारी मेरी एक भी नहीं। जो भी है आज पाकिस्तान का हैप्पी बर्थडे है। आज क्या क्या कहना था यौमन विलादा है यौमन विलादा है आज हम भाई जन्मदिन है जन्मदिन है मौलूद की तरह मौलूद यात्री कराओ यार हा? आजकल जब हंसता हूँ ना मेरे सीने में दर्द आता है यार। वैसे एक बात है मैं देखना चाहता हूँ कि जहाँ से विलादत हुई पाकिस्तान की वो जगह कैसे ये सरप्राइजिंग होगा मेरे लिए आज हम बाहर जा रहे हैं घूमने फिरने देख रहे हैं लोगों की वतनियत कितनी है। मेरी तो ग्रीन है वतनी ही इज़ नॉट वतनी ये मेरी वतनी भी देख सकते हैं इसका वतनियत चेंज हो गई है अल मोहम्मद चलो जिंसियत तो नहीं चेंज हुई ना वतनियत हुई है हेलो अनतला निशूफ सॉरी चलो चलते हैं बाहर देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आज देखते हैं कितना पाकिस्तान को हम बर्बाद करते हैं सॉरी आबाद करते हैं। पैदा होने से पहले ही मार गए। हमारी वतनियत स्टार्ट होती है फ्रॉम हियर फ्रॉम द पेट ख़त्म भी यही होती है भाई साहब। नाम खाना कैसे लगा यार? खाना तो अच्छा लगा लेकिन पैसे देते हुए अच्छा नहीं लगा आज हमारे साथ क्या हुआ? आज हम डिसाइड कर रहे थे कहाँ खाएं। यार ये नहीं बताना आज हुआ, पहले भी होता रहता है हमारे पास। कभी हम फ्री शॉर्मा खाने जाते हैं आगे से पैसों का निकल आता है, कभी ऐसा होता है कि हम फ्री शॉर्मा खाने जाते हैं तो आगे जाके वेट करते हैं शॉर्मा ही मिलता है। नहीं आज ऐसे होता कि कल से हम सोच रहे कहाँ जाएँ, तो आज सुबह मैं इंस्टाग्राम खोल के पोस्ट सामने आई कि इनके पास 14% ऑफ है और लोग हमें ले आए यहाँ। और मैंने को कहा कि यार 14% ऑफ है चलते हैं यार, डिस्काउंट किसको नहीं अच्छा लगता, खा के पूरा पैसे दे पा रहे छोड़ नहीं है। बुरा तब लगा हमें कि जब अगलू ने कहा कि हमें पता ही नहीं है पोस्ट लग गई अच्छा यार कोई बात होती है। पाकिस्तान में ना अगर सेलिब्रेट करना है ना इंडिपेंडेंस डे को, आपको तीन चीज़ें की ज़रूरत है। वन, आपके पास गाड़ी है, बाइक है, पैदल हो, साइकिल में हो, बस हो, जो भी हो, ओके। सेकंड चीज़ जो है आपका झंडा होना चाहिए और उसका शेप साइज़ आपकी मर्ज़ी, इट डजन डंडा भी बड़ा हो और कभी कभार उसके ऊपर इतना छोटा सा झंडा हो कोई मसला नहीं, बस आपने झंडे लेने उसके अंदर डंडा डालना है। तीसरा, आपके पास ये इसको क्या कहते हैं, इस पे ना अपने आवाज़ें निकालिए पर पर बस, और फिर रोड पे चलना है और शोर शराबा करना है, जितना कर सकते हो ना उतना तुम ज़्यादा पाकिस्तानी हो, बस करो। यार मैं कुछ नहीं कहना चाहता था कि फिर लोग कहेंगे तुम सेलिब्रेशन वाले ख़राब करते, तुम जैसे लोग सेलिब्रेट भी नहीं करते, खुशियाँ भी मनी नहीं मना सकते तुम लोग। यार भाई साहब जैसे मर्ज़ी है खुशियाँ मनानी है मनाओ, जैसे तुम्हारा दिल करता है करो। अरे भाई साहब ये पाकिस्तान डे है, यस मतलब इस्तकलाल है, इंडिपेंडेंस डे है मतलब पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान के लिए क्या दिया है तुमने ज़िंदगी में? नहीं मतलब इस दिन में हमने क्या किया ऐसे पाकिस्तान के लिए, बस बाहर जाकर शोर शराब गंद मचा कर वापस आते हैं। कौन सा पाकिस्तान, कौन सा पैट्रियटिक आपके अंदर है? हाँ मतलब सेलिब्रेशन जैसे करना है करो, लेकिन कल अगर तुम हालत देखो ना सेलिब्रेशन ख़त्म करने बाद रोड्स पे जो गंद है, जहाँ जहाँ लोग ने बैठे हैं वहाँ जो गंद मचा के रखा है, फिर कैसा पाकिस्तान है? हाँ
इतने वो इसको क्या कहते हैं यार इस बजे को, या पता नहीं बजे बजाना या पता नहीं क्या, इतना उन्होंने बजाया कायदे आज़म हमारा ज़िंदा होके वापस आ गया था। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, लेकिन यार पाकिस्तान का तो ख्याल करो, इधर 5-6 साल से यही सेलिब्रेशन चलती है, एक तो कोई नया काम नहीं आता, सेलिब्रेशन यही है, उसके साथ यार जरा सा सोच भी आगे जानी चाहिए ना। अब हम बाहर जाते हैं, कल मेरा एक नज़र आया था एक चीज़ पे, लेकिन उस टाइम मैं ड्रोन चला रहा था, तो मेरे साथ स्टॉल था जिसमें मैं लेमन सोडा और ये सब बेचता है, और उसके आसपास जितने कप और स्ट्रॉज जो नीचे फेंके हुए प्लास्टिक के, और वो भी मेन रोड पे, हाईवे पे, इस्लामाबाद हाईवे पे, आप बताओ बताओ, सेलिब्रेशन करो लेकिन साथ साथ ख्याल भी करो यार। ऊपर से इस्लामाबाद में कल तो कोई कानून नहीं, माशाल्लाह इस्लामाबाद में तो एक रक्षा भी नहीं होता, कल तो जा रहे रक्षे और सुजुकियाँ वहाँ पहुँची हुई हैं। भाई साहब बहुत पाकिस्तान है। फिर लोग मुझसे नाराज़ होते हैं, मैं तो जब भी इंडिपेंडेंस डे आता है मैं कहता हूँ भाई साहब बिस्मिल्लाह, जितने भी होटल्स हैं ना उन पे चक्कर लगाते, सारे कहते हैं यार रोड पे चलो यार, तुम खाने के लिए आए हो। मैं कहो क्या करो, डील्स आई हुई है भाई साहब, डील्स आई हुई है, जो चीज़ 2000 की 1000 की मिल जाए मैं ना खाऊँ, मैं तो इस ज़िंदगी में हम सिर्फ अल्लाह को और पेट को जानते हैं, भाई साहब खाओ याशियाँ मारो करो सेलिब्रेशन, हर कोई जैसे करता है, मेरा तो सेलिब्रेशन खाने में ही होता है, कल भी बहुत खाया वैसे अल्हम्दुलिल्लाह। बाहर जाके यार इतना कान ख़राब हो जाए, इतना शोर शराबा हो जाता है, इधर गवर्नमेंट भी कोई काम नहीं करती, तो बीदा हो जाए मतलब कोई एक्टिविटीज़ हो, कोई काम हो, कोई गवर्नमेंट लेवल पे कुछ करें ताकि लोग उधर जमा हों, उनका अपना एनर्जी लेवल और सारा उधर निकले। जाओ काश ऐसे होता है कि इंडिपेंडेंस डे में हम सारे मिल कर ना पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसे छोटा सा काम करें, दरख्त लगाएं फॉर एग्ज़ाम्पल, वाह कितना अच्छा है ना, ऐसे नहीं होता कोई यार, ऐसे नहीं सोचो तुम्हें क्या हो गया। अच्छा ठीक है, चलो भाई साहब बस यही मैं कहना चाह रहा था, इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू पाकिस्तान, अल्लाह करे पाकिस्तान और तरक्की करे, और सारे ममालिक इस दुनिया में सबको इस्लामी हो, अरबी हो, जो भी हो, सबको अमन और अमान और सलामत और तरक्की, और हमारा मुस्तकबिल जो है ब्राइट हो, सब का ब्राइट हो भाई, सब ब्राइट एरियल नहीं। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, अनटिल दैट टाइम अपना ख्याल रखना, ये बहुत शॉर्ट सा वीडियो था, बस अपना थोड़ा बहुत ख्यालात इजहार करने का, इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, बस आज़ा एक इंजॉय, अनटिल दैट टाइम अपना ख्याल रखना, बहुत ज़्यादा रखना, बहुत ज़्यादा, अल्लाह हाफिज़। मुझे तो वल्लाही खादिम रदवी अल्लाह यरहमो याद आ रहे हैं, सही कहते थे कि पाकिस्तान डे में कुछ तो होना चाहिए जो सारे इन नौजवान या जो भी बाहर लोग जा रहे हैं इनको तो पता हो पाकिस्तान है क्या, सही वल्लाही कहते थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। अब तो फौत हुए, अगर ज़िंदा होते तो मज़े की तकरीर आते उनके, लेकिन बात तो सच है मगर बात रसवाई की, सारे कहेंगे ये वो है तो सच, कोई जो नई नस्ल आ रही है उनको पिछली हिस्ट्री का या ऐसे वैसे कुछ इतना ज़्यादा नहीं पता होता है वैसे, और ना कोई काम ऐसे होता है उनको बताने के लिए, भाई साहब ये तुम्हारा वतन है, ये तुम्हारी ज़मीन है, इसको संभालनी पड़ती है, सिर्फ आपका घर या वाशरूम जो घर के अंदर है उसको साफ़ नहीं, बाहर भी साफ़ रखना होता है, बाहर भी काम करना होता है, वैकम वो नहीं है ना, बाकी चीज़ें जो करते हैं वो भी चलो कोई नहीं यार, कोई नहीं, बस इन्जॉय इन्जॉय, अल्लाह हाफिज़।